This Lallan Top video is brought to you by Livogen Tonic. थकान और कमजोरी से दे आजादी. क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है. गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती. थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है. लीजिए लिवोजन टॉनिक. इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी. Xiaomi की Redmi Note सीरीज के स्मार्टफोन हमेशा ही तगड़ी डिमांड में रहते हैं. फोन फ्लैश सेल पर आते हैं और इसी चक्कर से लोग हफ्तों हफ्तों इंतजार ही करते रह जाते हैं. फ्लैश सेल का मतलब है कि एक लिमिटेड स्टॉक लेकर आते हैं और एक तय टाइम पर सेल चालू करते हैं. सेकेंडों में ही स्टॉक खत्म हो जाता है और आपको फ़ोन खरीदने के लिए अगली सेल का इंतज़ार करना पड़ता है. मगर एक जगह है जहां आप सटासट से नया नवेला Redmi Note स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, Xiaomi के ऑथराइज्ड स्टोर पर. मगर यहां भी एक दिक्कत है, फ़ोन के साथ एक्सेसरी खरीदने का नियम. बहुत लंबे टाइम से लोग शिकायत कर रहे हैं कि Xiaomi के ऑथराइज्ड स्टोर पर नए फ़ोन का स्टॉक ही नहीं मिलता, और अगर नया फ़ोन मौजूद होता है तब एक दूसरी परेशानी सामने आती है. लोगों का कहना है कि स्टोर वाले इन्हें मजबूर करते हैं कि ये फ़ोन के साथ में Xiaomi की एक्सेसरीज भी खरीदें, जैसे स्मार्ट बैंड, स्पीकर, ईयरफोन वगैरह वगैरह. कुछ स्टोर वाले फ़ोन के साथ में इंश्योरेंस प्लान बंडल करके बेचते हैं. अगर आपको ये डील पसंद नहीं है तो आपको फ़ोन नहीं मिलेगा. हालिया दिनों में कई टेक यूट्यूबर्स ने भी इस मुद्दे को उठाया है. इन सब का Xiaomi से यही कहना है कि इन्हें अपने ऑथराइज्ड स्टोर में होने वाली इस तरह की धांधली के खिलाफ कदम उठाना चाहिए. जितने ज़्यादा लोग एक बात को उठाते हैं उसकी सुनवाई होने के ज़्यादा चांस होते हैं. मगर फिर आप में से आधे लोग कहते हैं कि आप नया क्या बता रहे हो, ये तो हम पहले से जानते हैं, या फिर फलाने फलाने पहले इस बात को बता चुके हैं. तो हमने दूसरी तरफ दिमाग लगाया, Xiaomi स्टोर वालों के पास ऐसे कौन से हालात हैं या मजबूरी है जिसके तहत ये ऐसा कर रहे हैं. हमने ढेरों फ़ोन मिलाए और फिर आई नो अ गाय हु नोज अ गाय वाली चेन के ज़रिए हमें एक स्टोर वाले से इनकी साइड की स्टोरी पता चली. Xiaomi ऑथराइज्ड स्टोर ऐसा क्यों कर रहे? हमें मिली जानकारी के मुताबिक Xiaomi के ऑथराइज्ड स्टोर पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये अपने मन मुताबिक नए फ़ोन का स्टॉक कंपनी से मंगवा लें. Xiaomi की तरफ से इन्हें प्रोडक्ट का पूरा बंडल मिलता है जिसमें नए फ़ोन के अलग अलग स्टोरेज मॉडल होते हैं और उनके साथ पुराने फ़ोन और कुछ एक्सेसरीज भी होती हैं. उदाहरण के तौर पर अगर स्टोर वाला Redmi Note 10 सीरीज़ मंगाना चाहे तो उसे 3-4 लाख रुपए की कीमत का पूरा पैकेज खरीदना होगा. इस पैकेज में Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के अलग अलग रैम, स्टोरेज और कलर मॉडल होंगे. इसके साथ इस पैकेज में Xiaomi के स्पीकर, स्मार्ट बैंड और लैपटॉप वगैरह के साथ में पुरानी वाली Redmi Note 9 सीरीज़ के भी मॉडल होते हैं. हमारी जिनसे बात हुई उन्होंने पहचान छिपाने की दरख्वास्त करते हुए बताया, नए फ़ोन तो बिना कुछ किए बिक जाते हैं मगर पुरानी सीरीज़ को कोई नहीं पूछता. यही हाल एक्सेसरी का भी होता है. नए फ़ोन का स्टॉक क्लियर होते ही दूसरा स्टॉक मंगाने पर हमें फिर से एक्सेसरी मिलती हैं जो स्टोर में ही रुकी रहती हैं. इस सामान को निकालने के लिए हम कस्टमर के सामने ऐसी डील रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ इन्हें फ़ोन के साथ एक्सेसरी भी खरीदनी होती है. कुछ लोगों ने यह भी शिकायत कर रखी है कि कुछ स्टोर पर इन्हें फ़ोन की ऑनलाइन कीमत से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. इस बारे में जब हमने पूछा तो इन्होंने कहा, नए फ़ोन का स्टॉक लेने के लिए हमें काफ़ी बड़े अमाउंट का बिल बनवाना पड़ता है. पैकेज में मिली हुई एक्सेसरी तो सर का दर्द बनती ही है, साथ में नए फ़ोन के टॉप रैम और स्टोरेज मॉडल भी कम बिकते हैं. इसीलिए कई स्टोर बार बार कंपनी से फ़ोन का स्टॉक मंगाने के बजाय ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर करके या फिर रीसेलर से खरीद कर इन्हें बेचते हैं. अब जब फ़ोन की खरीद ही ऑनलाइन कीमत पर हो रही है तो ये स्टोर वाले इन्हें इस कीमत से ऊपर ही बेचेंगे. इसका हल क्या है? स्टोर पर कंपनी की तरफ से आने वाले पैकेज में पुराने फ़ोन, लैपटॉप और दूसरी एक्सेसरी होने के चलते स्टोर वाले नए फ़ोन पर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं और इन एक्सेसरी को जैसे तैसे निकाल देना चाह रहे हैं. अगर कंपनी की तरफ से स्टोर वालों पर ऐसी बंदिशें ना हों तो स्टोर वालों को भी शायद इन सब धांधलियों में पड़ने की ज़रूरत ना पड़े. Xiaomi की फ्लैश सेल ने पहले ही फ़ोन की एक ब्लैक मार्केट को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से आप बड़ी मुश्किल से ही इनके फ़ोन ऑनलाइन खरीद पाते हैं, वरना फिर ज़्यादा कीमत चुकाकर इन्हें रीसेल करने वालों से खरीदते हैं. इनकी स्टोर पॉलिसी एक नई तरह की परेशानी पैदा कर रही है. इससे पहले कि ये बद से बदतर बने कंपनी को इसे जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए. हमने Xiaomi से इस मामले में बात करने की कोशिश की मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. इस वीडियो में इतना ही. मेरा नाम है फैसल. अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. देखते रहिए द लल्लन टॉप. फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल,
यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।